अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आप देख रहे हैं बायोटॉनिक बाय हनीफ। व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है बायोलॉजिकल मेथड ऑफ स्टडी। लाइक ऑल अदर साइंसेस, बायोलॉजी जो है ये भी एक सिस्टमाइज्ड नॉलेज है। ये जो आप तक नॉलेज पहुंच रहा कि ये थ्योरी है, ये लॉ है, ये हाइपोथेसिस है, ये ऐसे नहीं है, ये एक सिस्टमाइज्ड नॉलेज है लाइक ऑल अदर साइंसेस। इसमें तमाम जो टूल्स हैं वो यूज होते हैं। कौन कौन से टूल्स हैं, कौन कौन से स्टेप्स हैं, वो हम आज इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। आसानी के लिए मैं आपको यहाँ पे हेडिंग्स बना के बता देता हूँ कि ये स्टेप्स हैं। आप हेडिंग्स जो है वो बुक पे चूंकि नहीं बनी हुई, आप बेशक वो हेडिंग्स ना बनाएं, लेकिन हेडिंग्स को जहन में रखते हुए आप डिटेल जो है वो तमाम की दे सकते हैं उसी तरतीब के साथ। तो देखते रहिएगा बायोटॉन, पूरी वीडियो देखिएगा, स्किप ना करिएगा। पहला पॉइंट है जैसे ऑब्जर्वेशंस। अब नाम से लग रहा है, यानी किसी भी फिनोमिना को ऑब्जर्व करना। अब ऑब्जर्वेशन जो है वो फाइव सेंसेस से होती है। वो फाइव सेंसेस कौन कौन सी हैं बताइएगा जी। नंबर एक स्मेल, नंबर दो टेस्ट, नंबर तीन एयर यानी सुनना, नंबर चार वीएन देखना, और पांचवी कौन सी है टच। ये पांच सेंसेस हैं, इन्हीं पांच सेंसेस से ऑब्जर्वेशन होती है। और अगर ऑब्जर्वेशन इन पांच सेंसेस में नहीं आ रही तो फिर इंसान के बनाए हुए अपने फिजिकल जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो टूल्स हैं, वो यूज किए जाएंगे ऑब्जर्वेशन। बहरहाल जो मेन सोर्स है वो ये पांच ऑर्गन्स हैं, पांच सेंसेस हैं, फाइव सेंसेस हैं जो ऑब्जर्वेशन में यूज है। अब ऑब्जर्वेशन की अगर हम बात करें तो ऑब्जर्वेशन दो तरह की हो सकती है। एक हो सकती है क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन, दूसरी हो सकती है क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। क्वांटिटेटिव, अब नाम से लग रहा है क्वांटिटेटिव, यानी ये इस ऑब्जर्वेशन में क्वांटिटी बताई जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये कहूं कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज लो देन बॉइलिंग पॉइंट, तो ये ऑब्जर्वेशन हो जाएगी क्वालिटी, कि पानी का जो नुकता इंजमाद है वो कम है नुकता खोलाव से। ये कौन सी ऑब्जर्वेशन है, ये है क्वालिटेटिव। और अगर मैं ये लिख दूं कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड और जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो है कितना, फ्रीजिंग पॉइंट वो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी यहां पे मैंने ये जो फिगर है वो नहीं दिए, वैल्यू नहीं दी, मैंने स्टेटमेंट दी है तो वो बन जाएगी ऑब्जर्वेशन कौन सी, क्वालिटेटिव। और अगर मैं उसकी डिटेल देता हूं कि फ्रीजिंग पॉइंट 0 है, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो ये ऑब्जर्वेशन कौन सी बन जाएगी, क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन बन जाएगी। इसी तरह अगर मैं एक और मिसाल देता हूं आपको कि मैं कहता हूं कि 1 लीटर ऑफ वाटर इज हैवियर देन 1 लीटर ऑफ एथेनॉल, तो ये ऑब्जर्वेशन होगी क्वालिटेटिव। इसमें मैंने कोई वेट नहीं बताया, वजन नहीं बताया उसका कि वाटर का वजन कितना है और उसका कितना। अगर मैं ये कह दूं कि 1 लीटर जो वाटर है, 1 लीटर ऑफ वाटर वो कितना है, वो है 1000 ग्राम, जबकि 1 लीटर ऑफ एथेनॉल वो है 789 ग्राम के इक्वल, तो ये फिर ऑब्जर्वेशन क्या बन जाएगी, क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। तो मैं कह सकता हूं कि क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन आर मेजरेबल एंड मोर एक्यूरेट देन क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। क्वालिटेटिव को हम मेजर नहीं कर सकते, फरमाइश नहीं उसकी कर सकते कि ये असल में ऑब्जर्वेशन है क्या। तो जो ऑब्जर्वेशन है पहला स्टेप है बायोलॉजिकल स्टडी में, कि जो भी बायोलॉजिकल फिनोमिना है उसको हमने सबसे पहले ऑब्जर्व करना है। अब मुख्तलिफ ऑब्जर्वेशन हासिल होती हैं, वो एक्सपेरिमेंट से भी हो सकती हैं, वो इंट्यूशन से भी हो सकती हैं, इमेजिनेशन से हो सकती हैं, कोई पुराना एक्सपीरियंस हो सकता है वहां से ऑब्जर्वेशन हो सकती हैं। ये जितनी ऑब्जर्वेशन है वहां से फिर एक स्टेटमेंट जो है वो निकाल ली जाती है, उस स्टेटमेंट को फिर बोला जाता है हाइपोथेसिस।
हाइपोथेसिस। तो सेकंड स्टेप है हाइपोथेसिस। द क्वांटिटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस जो है यानी वो एक स्टेटमेंट साइंटिस्ट ने वो जो एक्सपेरिमेंट कर रहा वो जो बायोलॉजिकल मेथड अडॉप्ट कर रहा उसने एक स्टेटमेंट जो है वो ड्राइव कर ली मुख्तलिफ ऑब्जर्वेशन से, उस स्टेटमेंट को क्या कहा हाइपोथेसिस, यानी टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन जो दे दी उसको क्या कहा हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस जो है उसको टेस्ट किया जाएगा तो इसमें दो तरह के जो है वो रीजनिंग यूज होंगी। मैं आपको इसके दो रीजनिंग बताता हूं, एक है डिडक्टिव रीजनिंग, और दूसरा है इंडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव और दूसरी कौन सी है इंडक्टिव रीजनिंग। अब इसमें दो लॉजिक यूज होंगे, याद रखिएगा, एक लॉजिक है इफ और दूसरा देन। ये देन नहीं है देन, इफ और देन, ये दो लॉजिक यूज होंगे रीजनिंग। कैसे मैं आपको मिसाल देता हूं, डिडक्टिव का मतलब होता है यानी फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, यानी आम स्टेटमेंट से हम उसको स्पेसिफिक की तरफ ले आए, डिड्यूस कर दें उसको, तो ये रीजनिंग कौन सी होगी डिडक्टिव रीजनिंग। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि फॉर एग्जांपल के बहुत सारे बर्ड्स हैं, सारे बर्ड्स हैं जैसे हॉक है, जैसे स्पैरो है, जैसे पैरट है, ये तमाम बर्ड्स जो हैं ये उनके विंग्स पर हैं और सारे वो परिंदे हैं, ठीक है। और वहां से हम किसी स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म को मेंशन कर दें कि फॉर एग्जांपल ऑल बर्ड्स हैव विंग्स देन स्पैरो आल्सो हैज द विंग, स्पैरोज जो हैं उसके भी पर होते हैं, तो ये जनरल स्पेसिफिक से मैं स्पेसिफिक स्टेटमेंट की तरफ आ गया कि अगर इफ अगर तमाम परिंदों के पर हैं देन स्पैरोज विल आल्सो हैव विंग्स, तो ये जनरल से स्पेसिफिक की तरफ आएगा इसको क्या बोलेंगे डिडक्टिव रीजनिंग। और दूसरी कौन सी है इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव का मतलब ये हुआ कि जब हम स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाएंगे तो इस रीजनिंग को क्या बोलेंगे इंडक्टिव रीजनिंग कहेंगे इसको। फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि स्पैरोज है वो उसके उसके विंग्स हैं तो हम यहां से कह सकते हैं स्पैरो जो है एक बर्ड है, तो दूसरे बर्ड जो हैं जैसे पैरट है जैसे हॉक है उनके भी विंग्स हो सकते हैं, तो स्पैरो से हम मतलब जनरल की तरफ चले गए तो इसको क्या बोलेंगे इंडक्टिव रीजनिंग, यानी इंडक्टिव रीजनिंग में हम स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाएंगे, स्पेसिफिक से जनरल की तरफ, ठीक है। तो इस रीजनिंग को क्या बोलेंगे इंडक्टिव रीजनिंग। तो हाइपोथेसिस जो है वो मुख्तलिफ स्टेटमेंट हो सकती हैं, उनको फिर इफ और देन के लॉजिक से उसको टेस्ट करेंगे यानी इंडक्टिव रीजनिंग से या डिडक्टिव रीजनिंग से, ठीक है। उसके बाद अगला स्टेप होता है एक्सपेरिमेंट। अगला स्टेप कौन सा है एक्सपेरिमेंट। अब एक्सपेरिमेंट तो नाम से लग रहा है, यानी जो हाइपोथेसिस देगा तो जो स्टेटमेंट हासिल होगी उस स्टेटमेंट को फिर टेस्ट किया जाएगा, कोशिश की जाएगी कि उसको गलत साबित किया जा सके, उसको टेस्ट किया जाएगा। वो डिटेल आपने कुछ लोअर ग्रेड में भी पढ़ी हुई है कि कंट्रोल एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे, बहरहाल एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे उस स्टेटमेंट को डिसअप्रूव करने के लिए या अप्रूव करने के लिए। अब अगर तो मुख्तलिफ साइंटिस्ट है वो एक्सपेरिमेंट करके वो जो स्टेटमेंट है उसको दुरुस्त साबित करते हैं, वो स्टेटमेंट कभी भी गलत साबित नहीं होती, तो फिर वो स्टेटमेंट जो है ये बन जाती है थ्योरी, बन जाती है थ्योरी बन जाती है। फोर्थ स्टेप इसका कौन सा होगा थ्योरी होगा। और आखिरी जो स्टेप है कि इस थ्योरी पर भी एक्सपेरिमेंट जो है जारी रहेंगे। अब एक अच्छी प्रोडक्टिव थ्योरी क्या हो सकती है, प्रोडक्टिव थ्योरी ये होती है कि ये न्यू हाइपोथेसिस को जनरेट करेगी। यहाँ